आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं चार बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। अब मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूं। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एक ही ठीक आ रही है। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सबकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि
पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार, 400 पार, 400। क्यों? कहते हैं नहीं, मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया, नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। पूरे देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं, वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूं कल परसों, हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही है, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही है, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है, कर्नाटक में इनकी काफी कम हो रही है, महाराष्ट्र में इनकी बहुत कम हो रही है, बंगाल में इनकी कम हो रही है, यूपी में इनकी कम हो रही है, बिहार में इनकी कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान में इनकी कम हो रही है। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहां पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए।